नमस्ते, मी एकता जाधव आणि तुम्ही पाहत आहात डिजिटल प्रभात। अफगाणिस्तानमध्ये नुकताच झालेला सर्व प्रकार हा आपल्या सर्वांनाच ठाऊक आहे, पण अफगाणिस्तानमधील काही विद्यार्थी हे भारतामध्ये आहेत, त्यांची आता काय समस्या आहे आणि तिथं पूर्ण फायनान्शियली त्यांचं आर्थिक स्ट्रक्चर सगळं घसरलेलं आहे, पण इथं जे विद्यार्थी शिकत आहेत त्यांचं नक्की काय प्रॉब्लेम होतो आहे, ते काय समस्यांना फेस करत आहेत ते आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेऊयात। अफगाणिस्तानच्या काही मैत्रिणी माझ्याबरोबर आहेत, त्यांच्याकडनं आपण डिटेल माहिती घेऊयात की त्यांना इथं काय प्रॉब्लेम आता येतो आहे। आपका नाम बताइए पहले। माय नेम इज नसरीन हासिम। बर, आप यहाँ कितने सालों से हो और क्या पढ़ाई कर रहे हो? अभी 2 साल से हुआ है और BCA। आप यहाँ पे कैसे रहते हो? मतलब फाइनेंशियल कंडीशन अभी तो बहुत ख़राब हो चुकी है, वहाँ का पूरा कोलैप्स हो चुका है, तो आप मतलब क्या बताओगे इसके बारे में? नाउ अफगानिस्तान का सिचुएशन बहुत ख़राब है और स्पेशली फाइनेंशियली, तो अभी हमने थोड़ा जो सेविंग था हमारे पास उसको खर्च कर रही है, पर एक हफ्ते में और एक दो दिन में शायद वो भी ख़त्म हो जाएगा, तो फिर ये बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि अभी सारा बैंक, वेस्टर्न यूनियन सब कुछ बंद है, तो अभी वहाँ पर जॉब भी नहीं है कि हमारा फैमिली हमको सपोर्ट करिए, तो ये बहुत प्रॉब्लम है हमको। और यहाँ पे इंडिया पे हमको जॉब करने को भी परमिशन नहीं है, तो ये बहुत प्रॉब्लम है हमारे लिए। आप यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे हो, कितने दिन का आपका वीज़ा है ये? अभी वीज़ा जो कॉलेज है वो बोनाफाइड देते, तो बोनाफाइड के हिसाब से हमको वीज़ा ये देते। अभी हमको हम एक बोनाफाइड लिया 1 साल के लिए, जब ये और वीज़ा है 1 साल के लिए, मतलब टिल May 22 तक। आफ्टर दैट उसके बाद ये ख़त्म होने वाले हैं, हमारा वीज़ा भी ख़त्म होने वाला है और कॉलेज भी ख़त्म होने वाला है, तो वीज़ा नहीं देते उसके बाद, तो ये बहुत प्रॉब्लम है कि यहाँ इसके बाद तो हम अफगानिस्तान नहीं जा सकते, और ये प्रॉब्लम है कि वीज़ा भी नहीं है, तो इट्स सो डिफिकल्ट। वीज़ा रिन्यूअल के लिए जो प्रोसेस रहता है, तो उसके बारे में आगे का मतलब एक कैसा प्रोसीजर रहता है रिन्यूअल के लिए? रिन्यूअल के लिए हमको बोनाफाइड के लिए ज़रूरत है कि वो बोनाफाइड में है कि मतलब ये इस कॉलेज में पढ़ाई कर रही है और इस तारीख तक इसका पढ़ाई है, तो उस हिसाब से FRO हमको वीज़ा देते। हर साल हमको कॉलेज एक बोनाफाइड देते, उस हिसाब से वो बोनाफाइड के हिसाब से FRO हमको वीज़ा देते। स्टूडेंट वीज़ा पे आप यहाँ पे जॉब करके कमा नहीं सकते, मतलब इनकम सोर्स आपका कोई जनरेट नहीं कर सकते नहीं। तो अभी फ़िलहाल आपके घर से फैमिली से आपको कोई इनकम आ रहा है, मतलब पैसे आ रहे हैं, या फिर अभी आप कैसे कर रहे हो? रेंट देना है या फिर बाकी सारी चीज़ें यहाँ की मैनेज करनी है, वो आप कैसे करते हो? अभी तो नहीं कर सकते हमारे फैमिली क्योंकि वहाँ पर जॉब भी नहीं है और सारा बैंक विसर्जन सब कुछ जो है वो बंद है, तो वो पैसे नहीं बेच सकते, तो अभी थोड़ा जो सेविंग है और फ्रेंड के लोन लेते ऐसे चीज़ों से गुजारा कर रहे हैं। हाँ, आप क्या अपील करोगे सारी भारत की जनता को? कि हमको वीज़ा देते गवर्नमेंट, जो हमको हेल्प करे कि हम जब हमारा पढ़ाई ख़त्म हो गया हम वीज़ा, हमको वीज़ा चाहिए और हमको काम के लिए परमिशन देना चाहिए, क्योंकि हमारा घर वाले, हमारा फैमिली हमको सपोर्ट नहीं कर सकते अभी इसके बाद, और उन्हों भी सपोर्ट की ज़रूरत है उन लोगों को, क्योंकि अभी वहाँ पर भी जॉब नहीं है, सारा सामान एक्सपेंसिव हो गया है, तो ये बहुत प्रॉब्लम है हम उनके लिए, हम हमारे लिए, तो अगर गवर्नमेंट हमारे लिए वीज़ा देते और जॉब का परमिशन देते, और या ये बहुत हमारे साथ हेल्प कर सकते। अगर आप अफगानिस्तान अभी जाना चाहो तो अभी आप जा सकते हो क्या? मतलब वहाँ की गवर्नमेंट आपको परमिशन दे सकती है क्या वहाँ पे आने के लिए? अभी आप यहाँ पे फंसे हुए हो, यहाँ पे तो आपका अभी कुछ चल नहीं रहा है, लेकिन अगर आप अपने वापस कंट्री जाना चाहते हो तो फिर वो परमिशन है आपको? नहीं, अभी हम नहीं जा सकते क्योंकि अभी तो कंट्री में ऐसे हालत है कि लड़कियों को स्कूल जाने को, काम करने को परमिशन नहीं है, तो अगर हम अफगानिस्तान जाना चाहते हैं तो ये है कि वो बोल रहे हैं कि आप लोग फॉरेनर कंट्री में था और बिना आपका, मतलब वहाँ पे आपका फादर या आपका हस्बैंड या आपका ब्रदर आपके साथ नहीं था, तो आप अकेले था, ये बहुत वो लोग बोल रहे हैं कि वो बहुत बैड थिंग है, बहुत ख़राब चीज़ है हमारे लिए, और जब हम जानना चाहते तो वो बोलते हैं कि यहाँ तो आप काम नहीं कर सकते और शायद वहाँ पे एयरपोर्ट पे वो हमको अरेस्ट करेंगे। तो यहाँ का पूरा एनवायरनमेंट, अभी आप कितने साल से रहे यहाँ पे रह रहे हो पुणे में, तो आपको भारत का एनवायरनमेंट कैसा लगता है? भारत के एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ से पे जो पीपल है वो सब हमारे साथ हेल्प करते हैं और बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे।
तो ऐसे सिचुएशन में आप यहीं पे सेटल होने का आगे सोच रहे हो या फिर कैसा चेक करेंगे आप? हाँ, सोच रहे हैं क्योंकि अभी तो हम अफगानिस्तान नहीं जा सकते, तो यहाँ से अच्छा जगह तो नहीं मिल सकती, तो इसके लिए यहाँ पे सेटल होने का प्लान है। नक्कीच, जसं की तुम्ही पाहिलं की इथं जे शिकणारे विद्यार्थी आहेत त्यांची दोन्ही बाजूंनी कोंडी झालेली आहे। इथं राहायचं म्हणलं तर त्यांना स्टुडंट विजावरती ते राहतात, त्यांना स्टुडंट विजा एक्सटेंड करून घ्यावा लागेल। त्याच्याकरता पूर्णपणे कॉलेजची फी भरायची म्हणलं, स्टुडंट विजा एक्सटेंड करायचा म्हणला, तर सगळं काही गोष्टी येऊन फायनान्शियल सिच्युएशनवरती अडकतात। पैसा हा मेजर कन्स्टंट आहे, यांना राहायचं म्हणलं तरी भाडं देणं आलं, इथलं पूर्ण ट्रॅव्हलिंग फूड सगळा खर्च त्यांचा पैशावरती आहे, घर इन्कम सोर्स बंद झालेला आहे, प्लस ही मुलं स्टुडंट विजावर असल्यामुळे इथेही जॉब करून कमवू शकत नाही। अतिशय बिकट परिस्थिती या मुलांची आपल्याला पाहायला मिळते आहे। धन्यवाद।